सो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब ने लाइव स्ट्रीम को इनेबल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो आपका भी लाइव स्ट्रीम इनेबल हो गया होगा। सो आगे का आज प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि आप लाइव स्ट्रीम को कैसे कर सकते हो, पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, आप पूरी तरह सीख जाओगे फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम कैसे आप करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नंदलाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यूट्यूब से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम है nandlalkumar19, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइज, अगर आप भी फर्स्ट बार लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो चलिए आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कैसे आप फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम करोगे यूट्यूब एप्लीकेशन पे। तो चलिए सबसे पहले आप यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका गो लाइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद फिर से हम अलाउ करेंगे अलाउ यूट्यूब टू रिकॉर्ड ऑडियो। इसके बाद अलाउ यूट्यूब डिवाइस लोकेशन, सारा चीज़ अलाउ करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार मेरा इंटरफेस आ गया। यहाँ पे अपना टाइटल डाल दीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट लाइव चेकिंग जो भी लिखना है आप टाइटल में लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आप पब्लिक या अनलिस्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पब्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे लोकेशन आप डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं तो ऑडियंस रिक्वायर्ड, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड यस किड्स ऑफ, तो यहाँ पे नॉट इट माई किड्स, ये बच्चों का नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एडल्ट में तो वगैरह कुछ नहीं है। आप ये वीडियो किसको दिखाना चाहते हैं, 18 से नीचे वाले को भी या 18 से ऊपर वाले को, 18 ईयर से, तो मैं यहाँ पे 18 इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम मोर ऑप्शन में जैसे जाते हैं, यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेरा भी मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अलाउ चैट का ऑप्शन दे दिया है, इसको अलाउ कर दिए हैं। इसके बाद हम बैक आते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ हमको इस प्रकार इंटरफेस मिलता है, स्माइल फॉर थंबनेल। यहाँ पे एक फ़ोटो मेरा थंबनेल का ले लिया, तो हम इस थंबनेल को तो नहीं ऐड कर रहे हैं अभी। इसके लिए यहाँ पे हम पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे आएंगे और अपने गैलरी में एक थंबनेल हम पिक्सल लैब से बना चुके हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार थंबनेल देखने में अच्छा लगेगा। जब भी आप लाइव आइएगा तो सभी सब्सक्राइबर के पास इस तरह आपका थंबनेल आएगा। इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीम का थंबनेल रेडी हो गया। इसके बाद हम गो लाइव पे जैसे आएंगे तो मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आप फर्स्ट बार लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला। सो गाइज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक में वीडियो बना सकूं या आपको रिप्लाई दे सकूं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।